दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं यूएफसी एस हेवीवेट डिवीजन के बारे में जो कि इस टाइम पे बहुत फोकस में है जो लास्ट हमारा पेपर -पे पेपर व्यू था लुइस वर्सेस गेन उससे पहले उससे कुछ दिनों पहले एक एक इंटरव्यू में बताया था डेना वाइट ने कि जॉन्स को सी पी आई फाइट है वो ऑफर कर दी गई है और इस फाइट के लिए सी ने हाँ भी कर दी है और इस फाइट के लिए वो पुश कर रहे हैं लेकिन जिस दिन ये होता है पेपर व्यू होती है पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें कहते हैं रेना वाइट की जॉन जॉन्स इज़ फाइटिंग नेक्स्ट ईयर जॉन जॉन्स फाइट करेंगे अब 2022 में सो दैट मीन्स कि जॉन्स ने मना कर दिया इस फाइट फाइट के लिए और उसके तुरंत बाद एक दिन बाद दो दिन बाद इंटरव्यू आता है उनके कोच का जॉन जॉन्स के कोच का और वो बताते हैं कि स्टीपे एक बड़ी फाइट नहीं है जॉन जॉन्स के लिए फ्रांसिस इंगानू एक बड़ी फाइट है इस टाइम पे जॉन जॉन्स से वही फ़ाइट ढूंढ रहे हैं जिससे उनकी जो रैंकिंग है फॉर पाउंड फॉर पाउंड नंबर वन रैंकिंग है वहाँ कोई शक ना हो वो बेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है इस बात कोई कोई शक ना हो और इसके लिए उनको स्टीपे से फाइट करने की जरूरत नहीं है बल्कि फाइट करना चाहिए अगेंस्ट फ्रांसिस चूँकि मुझे कुछ आप समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या लॉजिक है क्यों जॉन जोन्स सारे फाइट्स के लिए मना कर रहे हैं क्यों जॉन जो या उनका जो कैंप है जो भी है वो सभी फाइट्स के लिए मना कर रहे हैं चाहे वो स्टीपे हो चाहे वो ट्रैक लुइस हो और वो सिर्फ चाहते हैं फाइट करना गेंस फ्रांसिस और जो कि अभी पता भी नहीं है कि क्या होगा आगे हमारे पास एक नया इंटरम चैम्प है सिरेल गेन जो कि अब फाइट करेंगे नेक्स्ट फ्रांसिस से सो उसके बाद अगर चैम्प बने रहते हैं फ्रांसिस तभी वो फाइट है वो सेंस करेगी क्या जॉन जोस बोलेंगे कि हे अब फ्रांसिस हार चुके हैं सो सोनाओ सीरेल गेंद से फाइट करेंगे बट सीरेल गेंस से ज़्यादा बड़ा नाम ऑब्वियसली स्टीपे है बेस्ट हावीवेट चैम्पियन ऑफ ऑल टाइम स्टीपे हैं तो उनसे फ़ाइट ना करके बजाय फ़ाइट करना अगेंस्ट विनर ऑफ फ्रांसिस या सीरेल गन कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, सो so अगेन अगर ऐसा होता है अगर जो कहे थे जिना वाइट कि इस सर फाइट नहीं करेंगे जॉन जॉन्स तो एक और साल जुट जाएगा जॉन जॉन्स के इतने लंबे कैरियर में जहाँ पर उनके पास कोई फ़ाइट नहीं हुई और अगेन ये ये लॉस है उनका ओबियसली ये लॉस है यूसी के लिए भी कि एक और साल एक एक, एक लंबा साल जहाँ पे उनका वन ऑफ द बेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम जॉन जॉन्स है वो फाइट नहीं कर रहा बिकॉज यू नो उनकी मन चाहिए फ़ाइट उनको नहीं मिल रही है या उनको मन चाह पैसा उनको नहीं मिल रहा है और और ये शायद ऐसा पहली बार नहीं हुआ जॉन जॉन्स के लिए और जिस तरीके का जो दो की फेबर में उनकी फाइट हुई थी अगेंस्ट डोमिनिक रेस उसके बाद से लेकर अब तक 2020 चला गया 2021 हज़ार इक्कीस एम सॉरी दो के शुरुआत में फ़ाइट हुई थी जॉन जॉन्स की अगेंस्ट रोमिक्रेस नौ नॉट दो हज़ार दो हज़ार के शुरुआत में फेबररी में तो 2021 दोस्तों फेबररी में एक साल हो गया है अगस्त चल रहा है हमारे पास अभी लगभग आधा साल बीत चुका है और यहाँ पे लगभग दो साल का गैप हो जाएगा अगर वो फ़ाइट नहीं करते इस साल चूँकि अगेन ये जॉन जॉन्स की मैंटेलिटी है कि मुझे मेरे पास कुछ है नहीं प्रूव करने के लिए अगर यू सी को सच में मेरी ज़रूरत है तो मुझे वो फ़ायदे जो मैं चाहता हूँ मुझे वो दे पैसा पैसा जो मैं चाहता हूँ अदरवाइज़ नहीं सी पे चीज़ डेफिनेटली इस टाइम पे उनके पास ये एक बड़ी फ़ाइट थी फाइट करना अगेंस्ट जॉन जॉन्स हैवी वेट डेब्यू ऑफ जॉन जॉन्स एक बहुत ही बड़ी फाइट है किसी भी एंगल से ये छोटी फाइट नहीं है जॉन्स वर्सिस फ्रांसिस राइट आई डोंट थिंक सो पता नहीं क्यों हालांकि वो चैम्पियन है फ्रांसिस पर स्टीपे तो तो स्टीपे के पास बेल्ट बहुत लंबे टाइम तक थी उनने बहुत बार डिफेंड भी की है किसी भी एंगल से छोटी फ़ाइट नहीं है कंपेयर टू तो फ्रांसिस और जॉन्स फाइट सो so अगेन दोस्तों आई थिंक ये साल हमारा फिर से निकल जाएगा एक बार और बिना कोई फ़ाइट देखे जॉन जॉन्स की उनका जो करियर है अगर आप देखेंगे तो कई साल उनके पास सिर्फ एक ही फ़ाइट है गैप है कुछ साल का और फिर से ए, एक बार और ये बात प्रूव हो जाएगी कि जो जब ईगो क्लैश होती है जो बड़ी होती हैं ईगोज इस गेम में तो जो जो नुकसान है वो सबका होता है चाहे वो यू हो चाहे वो फाइटर हो और चाहे वो फैंस हो क्योंकि हमें मज़ा आता है फाइट देख के उनकी स्टिपि की फाइट देख के उनके साथ पॉसिबल था जब ऑफर फाइट की जा चुकी है तो मीन्स यू सी बहुत सीरियस थी राइट लेकिन नहीं तो <laughs> so दोस्तों ये था हमारा अपडेट जॉन जॉन्स के बारे में आई आई एम श्योर कि अभी भी कुछ न्यूज़ आत, आती रहेंगी बट आई फील कि अब तक के लिए ये बात साफ़ है कि जॉन जॉन्स फाइट नहीं करेंगे 2021 में तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में